कल दिनांक 15 जुलाई को अलीपुर के बकोली गांव में जो दीवार ढह जाने से हादसा हुआ था, उसमें अभी तक 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और 9 लोग अंडर ट्रीटमेंट है। इसमें हमने कल ही अलीपुर थाने में एक FIR दर्ज की है, जो कि IPC की धाराएं 288, 337, 338, 304 और 34 के तहत दर्ज की गई है। इस FIR में हमने अभी तक 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। पहला अभियुक्त सिकंदर है, जो कि साइट का कॉन्ट्रैक्टर था और बुटपुर अलीपुर का ही रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किया है, उसका नाम सतीश है और वो बकोली अलीपुर का रहने वाला है, वो साइट सुपरवाइजर था। तीसरा अभियुक्त शक्ति सिंह है, जो अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। अभी हम कुछ नहीं सर, अभी जो आपने यहाँ पे देखा वो तो आप बता दीजिए, क्या देखा आपने? कुछ तरह की कुछ भी नहीं देखा ना, जो आपने देखा वही हमने भी देखा। तो बता दीजिए सर, क्या जानना चाह रहे हैं? परमिशन दी सर कंस्ट्रक्शन की? अभी मैं इससे पहले भी विभाग को जानकारी दी गई थी, लेकिन विभाग की बड़ी लापरवाही मानी जाए। ये फार्म लैंड है जिस पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हाँ, पूरा एग्रीकल्चर लैंड है। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मैं अभी भी अभी जब तक इसमें मेरे पास डिटेल्स, ये हम इसकी बात नहीं कर रहे सर। मैं टोटल पूरे माजरे की वही तो नीचे से मीनार खोल रही थी, जैसी भी लगी थी अवैध निर्माण जिस पर लगी थी वो खोल रही थी। हम लोग नीचे थे। कितने लोग थे, आप थोड़ा ऊंचा बोलिए, कितने लोग थे? 5 से 7 लोग दब गए और काफी लोग निकल गए हैं। काफी लोग कितने निकल गए हैं? हाँ, वो ही निकल गए हैं, 10-12 लोग निकल गए। कितनी चोटें आई हैं जो निकले हैं 10-12? काफी चोट लग गई, किसी के पैर में लग गया, किसी सिर फूट गया है। कितनी ऊंची दीवार थी? पूरी तरीके से साफ किया, दीवार गिर गई है, जिसके नीचे 6 से 12 बताया गया था इनिशियल, 6 से 12 लोग यहाँ पे दबे हुए। ये हमारी टीम रहती है द्वारका में, रहती है नियरेस्ट टीम यहाँ से RRC द्वारका है। RRC बोलते हैं रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर, तो वहाँ से हमने एक टीम रवाना की जो सबसे पास में यहाँ पहुँचती। बाकी हमारी टीम गाजियाबाद में रहती है, जामनगर या RKpura, वहाँ से ये टीम डिस्पैच की गई। और ये लगभग 2:57 पर यहाँ पहुँच गए थे, आते ही सर्च एंड रेस्क्यू स्टार्ट कर। और हमारे पास इसमें डॉग सर्च का कंपोनेंट होता है, टेक्निकल सर्च होता है और मैनुअल सर्च भी करते हैं। मैनुअल सर्च भी यहाँ पर बहुत जरूरी है, तुरंत आते हैं यहाँ पर, डॉग सर्च कराया, कैनाइन सर्च कराया और उसके साथ साथ टेक्निकल सर्च कराया। लेकिन अभी तक उसमें से कोई लाइव विक्टिम नहीं निकला था। ये सारे यहाँ पर आ गया, कटिंग और लिफ्टिंग के जो हमारे पास इक्विपमेंट थे हमने वो यूज़ किया। सर अभी तक कितनी बॉडीज यहाँ से निकल गई, कितने डेड हैं, कितने इंजर्ड हैं? अभी ये वैसे आप जिला प्रशासन से कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है कि 13 विक्टिम अभी तक 13 लोग निकले हैं, लेकिन ये जिला प्रशासन आपको जो यहाँ प्रशासन वाले हैं वो आपको कंफर्म। सर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्या? अभी जारी है। अभी भी आप लोगों को आशंका है कि कुछ लोग दबे हो सकते हैं और क्या उनकी संख्या? आप रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, हमें इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसके हम डिपेंड करते हैं कि क्या अभी लाइव विक्टिम्स की संभावना है या नहीं। अभी तक फिलहाल प्रशासन द्वारा जो बताया गया है तो हम संभावना देख रहे हैं, जैसे भी यहाँ काम कर रहा है, अगर जरूरत पड़ती है तो हमारी टीम यहाँ मौजूद है, हम बीच बीच में उसको सर्च करा रहे हैं। हमारा डॉग भी बीच बीच में जाकर सर्च कर रहा है कि ऐसा ना हो कोई वॉइड हो जो बंद हो गया हो। अब JCB की वजह से वॉइड खुल गया है तो वहाँ से डॉग स्मेल करना शुरू कर देगा, उसे स्मेल आने लगेगी लाइव विक्टिम। सर क्या कॉन्ट्रैक्टर एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता पा रहा है कि कितनी लेबर काम कर रहे हैं? आप जिला प्रशासन से कंफर्म कर सकते हैं। हम रेस्क्यू, क्या नाम है आपका? राजीव पासवान। राजीव जी क्या काम कर रहे थे अंदर आप? गलदारी करते हैं, गोदाम बना रहे थे। हाँ। कितने आदमी दब गए नीचे? बहुत आदमी अभी चप्पा हुआ अंदर में। और भी कितने निकाल लिए गए हैं? कितने आदमी निकाले? अभी निकाला 10-15 निकाला। क्या नाम है मालिक का, क्या नाम है जो गोदाम बनवा रहा था? मालिक नाम जानते सिद्धार्थ, नाम जानते सिकंदर नाम है। ठीक है। मौजूद भी DM और SDM को शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं, और उसका ये हादसा हो गया, उसकी आप ये देख लो, इस चीज़ का जिम्मेवार कौन है? ये बेचारे गरीब आदमी मरे हैं, 2, 4, 5, 6 जितने भी, 17-18 जितने भी घायल हुए हैं, कमाने वाले शायद उनके घर में एक ही होंगे, तो अब उनकी रोजी रोटी का जिम्मेवार कौन होगा? वो तो भूखे एक इंसान नहीं मरा है ये, अब अंदाज़ा लगा लो कि एक इंसान के साथ कितने परिवार मरे होंगे, 6-7 तो मरे हैं कम से कम, 17-18 निकाल के भी लेके गए ये, लेकिन इन लोगों के कानों पे कोई जू नहीं रहेगी। बाकायदा लिखित में शिकायत खसरा नंबर समेत, ठीक है, DM और SDM साहब को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों ने, इससे ये प्रतीत होता है शायद मिली भगत लगती है मुझे तो। आपको लगता है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? सीधी सी बात ये है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो सीधी सी बात है भाई, मैं तो गरीब आदमी हूँ, ये लोग सच्चा झूठा जैसे भी करके मेरे ऊपर कर देंगे कार्रवाई, लेकिन हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इतने गरीब आदमी मरे हैं, ये बेचारे लेबर तबके के,
और उससे पहले भी 5-6 आदमी मरे नहीं थे, घायल हुए थे, ऐसे ही पड़ गई थी बकोली में शमशान घाट वाले रोड पे, ठीक है ना, एक गोदाम में आग लगी थी ऐसे ही। शिकायत देने के बावजूद लेकिन हादसे लगातार हो रहे हैं जी, कोई भी एक भी सबक नहीं ले रहे। और क्या क्या परेशानी है वैध गोदाम? परेशानी है, रोड तो देखे होंगे आपने, रोड तो है ही नहीं, रोड टूट जाते हैं, सांस की बीमारी धूल उड़ती रहती है, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं करते ये लोग। ये तो बस अब मैं क्या बोलूँ अपने मुँह से, सबको पता है कैसे ये अवैध एग्रीकल्चर में गोदाम बनते हैं, हरी भरी फसलों को काट के, पेड़ों को काट के, ठीक है ना, और कंक्रीट में तब्दील कर रहे हैं सबका।